आज हम लोग देखेंगे कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब 6 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे कितना आ जाए बच्चों, 5 आ जाए। ध्यान रखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो फ्री होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के पास कोई भी कॉफिशियंट नहीं होना चाहिए। अभी जब कोई भी कॉफिशियंट नहीं होगा तो जो इसका कांस्टेंट टर्म होगा उसके इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि उसके पास जो लिखा हुआ है साइन प्लस लिखा हुआ है तो प्लस करने पे कितना आ जाए बच्चों, 5 आ जाए। तो 6 के हम लोगों ने फैक्टर किए तो 3+2 हुए, तो 3+2 यहाँ पे लिख देंगे 3+2x और प्लस का 6। अब 3 का इंटू करेंगे x में तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3x हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 6। इसके बाद दो दो के पेयर बना लेंगे बच्चों। इस पेयर में ध्यान से देखिए कॉमन क्या मिला, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ 3x है तो कॉमन क्या मिला एक्स, तो क्या बचेगा अंदर बच्चों एक्स माइनस का 3। और फिर इसमें ध्यान से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स और माइनस प्लस माइनस 2 3 6 मतलब 2 3 6। अभी एक्स माइनस तीन बिल्कुल सेम है तो इसको कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों एक्स माइनस 2। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चेंजमेंट क्या है, यहाँ पे प्लस लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ माइनस। तो 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पे कितना आ जाए बच्चों, 5। अगर आपने यहाँ पे 2+3 या 3+2 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको फैक्टर करने 6 के इस प्रकार से कि माइनस करने पे कितना आ जाए बच्चों, 5 आ जाए। तो 6 1 6 6 1 6 6 - 1 तो फिर माइनस का 6x और माइनस माइनस प्लस का 1x, ये 1x लिखा है माइनस का 6। x कॉमन लिया इसमें से x माइनस 6 बचेगा प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 6। x माइनस 6 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1। एक क्वेश्चन आप लोग भी करिए इस प्रकार से, दिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 15। इसका मतलब है कि आप 2 और 15 का पहले इंटू करिए क्योंकि कॉफिशियंट यहाँ फ्री नहीं है, तो 15 और 2 का इंटू करने पे कितना आएगा बच्चों, 30। अब आप 30 के फैक्टर करिए इस प्रकार से, जैसे फैक्टराइजेशन हम करके दिखाते हैं आपको, 2 तो कितना आएगा बच्चों 15, तो 3 तो यहाँ पे कितना आएगा 5। अब इसको इस प्रकार से करिए बच्चों कि माइनस करने पे कितना आ जाए बच्चों, 7 आ जाए। तो हमने देखा 5 2 3 6, 6 में 5 जाएगा तो नहीं बचेगा, 5 2 10, 10 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो क्या लिख दिया जाएगा बच्चों इसको, 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3। ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस ही आएगा और एक्स माइनस का 15। तो 2x स्क्वायर प्लस का 10x, ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस का 15, ये 15 लिखा है बच्चों। दो दो के पेयर बना लेंगे बच्चों, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा 2x, क्या बचेगा x प्लस 5, यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5, ठीक है। अब x प्लस 5 देखिए दोनों से कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 5 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा बताइए बच्चों, यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे माइनस 3। तो इस प्रकार से आप फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन बच्चों कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपके पास भेज दूँगा।